अभिभावक है और अभी उनका समय आ गया है कि हम लोगों को आशीर्वाद दे, अपना विरासत जो है वो हम लोगों को सौंपे। अपने पुत्र को तो सौंप नहीं सकता है, बड़े बेटा को सौंपे नहीं, छोटे बेटा को सौंपे, और छोटा बेटा में वो क्वालिटी नहीं है कि बड़ा भाई को भी संभाल के लेकर चले। अपने परिवार को, अपने बड़े भाई को सम्मान नहीं दे सकता है, बिहार के 12 करोड़ जनता को क्या सम्मान देंगे। कोई दिक्कत है, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उसको स्वागत करने में क्या बात है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़े है। अभिभावक है और अभी उनका समय आ गया है कि हम लोगों को आशीर्वाद दे, अपना विरासत जो है वो हम लोगों को सौंपे। वो अपने पुत्र को तो सौंप नहीं सकता है, बड़े बेटा को सौंपे नहीं, छोटे बेटा को सौंपे, और छोटा बेटा में वो क्वालिटी नहीं है कि बड़ा भाई को भी संभाल के लेके चले, तो बिहार को कैसे संभाल के लेके जाएंगे। जो व्यक्ति अपने परिवार को, अपने बड़े भाई को सम्मान नहीं दे सकता है, बिहार के 12 करोड़ जनता को क्या सम्मान देंगे। अभी जरूरी पड़ा है कि लालू जी आए, एक मल्ला को बेटा को जिस तरीके से चुनाव में उन्होंने गलती किया उसको बदला उन्होंने चुकाए और आशीर्वाद दे, ताकि हम लोग फले बुरे और आगे बढ़े। इसके लिए माननीय लालू जी हमें अपना आशीर्वाद दे। चुनाव प्रभारी को उन्होंने भक्तचरण दास को उन्होंने उन पर बयान दिया है, भक्तचरण दास को कहा है। देखिए अभी लालू जी का समय हो चुका है, उम्र हो चुका है, अब क्या बोलेंगे, कभी क्या बोलेंगे, अभी उस पर ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। सम्मानित नेता है और जो बोले उस पर ज्यादा टिप्पणी मिलने के लिए जाएंगे। सम्मान किया, पिछड़ों का सम्मान किया। देखिए राज्य में राजनीति करने वाले हर पार्टी को, हर जाति धर्म को लेके चलने की आवश्यकता है, हर किसी को सम्मान करना चाहिए। लालू जी सम्मान कर रहे हैं, हमें भी सम्मान करना चाहिए, बाकी लोगों को भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन आपने देखा उपचुनाव के समय 2020 में पिछड़ा का बेटा को किस तरीके से जाल में फंसा के रखा, और लास्ट आवर में उनका सीट का घोषणा नहीं करना, तो किस तरीके से पीठ में खंजर भोंका है, ये बोलने वाली बात नहीं है, पूरे बिहार को पता है। तो ये सब रहने दीजिए, लालू जी के ऊपर ज्यादा नहीं कुछ बात करेंगे। तेजस्वी के ऊपर कुछ बोल रहा है तो बोलिए।